हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग माइनर एक्ट के विषय में बात करेंगे कि आखिर माइनर एक्ट को पढ़ा कैसे जाए, कैसे उसको समझा जाए। आजकल क्या है कि माइनर एक्ट को लेकर इतना मतलब कि इतना डर पैदा हो गया है लोगों में कि नौ माइनर एक्ट आ गए। नौ सिर्फ गिनती के हैं, है नहीं नौ एक तरीके से आप कहिए तो, सिर्फ गिनती में है कि 1 2 3 4 5 6 करके दिया गया कि नौ हो गए। आप चुपचाप सीरियसली होके माइनर एक्ट को लेके बैठिए तो आप देखेंगे कि कोई एक्ट आपका 8 सेक्शन का है, 10 सेक्शन का है, फिर 10 सेक्शन का है, कोई 35 सेक्शन का है। तो एक ही एक्ट होगा जो 100 पार गया होगा, एक या दो होगा, उससे ज्यादा नहीं कोई एक्ट है भाई। जो स्टूडेंट आईपीसी के सेक्शन 511 सेक्शन को याद कर ले, सीआरपीसी के इतने भयंकर सेक्शंस को याद कर ले, कॉन्स्टिट्यूशन के इतने आर्टिकल्स को याद कर ले, सीपीसी के इतने सेक्शन इतने ऑर्डर को याद कर ले, उसके लिए ये 9 माइनर एक्ट मायने रखता है क्या? अरे भाई, आप ये समझिए कि आईपीसी के सेक्शन 511 सेक्शन है आईपीसी में, अगर 9 भी एक्ट मिला देंगे तो भी उसका आधे तक आप नहीं पहुंच रहे हैं, फिर भी आप परेशान हैं, फिर भी परेशान हैं आप लेकर कि 9 माइनर एक्ट आ गए। आपको पता है माइनर एक्ट कहां जुड़े हैं? माइनर एक्ट जोड़ा गया है जीएस पोर्शन में, ठीक है। मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो दिया था आपको कि हमारे यहाँ कितने हैं। देखिए, एक चीज और याद रखिएगा, हम ये मान के चल रहे हैं, क्या डेट है एग्जाम की? 12 फरवरी, ये एग्जाम की डेट है हमारी, हम इसको कंसीडर करके चल रहे हैं कि 12 फरवरी को हमारा एग्जाम हो जाएगा, अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं। उसी सेंस में हम आज पूरी बात करेंगे इसको ध्यान में रखते हुए, 12 फरवरी को। तो हमारे कितने पेपर हैं 12 फरवरी को है, मान लीजिए हमारे कितने पेपर हैं, प्री की बात कर रहा हूं मैं, तो एक होता है जीएस, ठीक है, दूसरा होता है लॉ, यही तो है जीएस लॉ। इस जीएस में भी दो चीजें हो गई हैं, एक तो जीएस के क्वेश्चन आएंगे और दूसरे क्या आएंगे, माइनर एक्ट आएंगे, यही है माइनर एक्ट आएगा। इसके संबंध में हमने कल एक लेक्चर बनाया था कि लॉ जो सेकंड पेपर है आप कैसे तैयार करेंगे, जो आपके 9 से 10 पेपर है उसको कैसे तैयार करेंगे, थोड़ी सी चर्चा हम इस पे कर लेते हैं फिर मैं इस पर आता हूं। लॉ में हमने बता रखा है, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज जाइएगा एक बार वहां पे, मैं जानता हूं आपके पास समय नहीं है, फिर भी इस चीज को समझने के लिए जो ये दिग्भ्रमित हैं कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो उनको यह वीडियो जो मैंने अभी इससे पहले दिया है, कल या परसों की डेट में मैंने वीडियो डाला है यूट्यूब पर, उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि क्या हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ऐसा तो नहीं कि हम गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं और उसका परिणाम जीरो निकले, ऐसा मत करिए। देखिए, लॉ में क्या है, उस वीडियो में हमने बताया 9 से 10 पेपर में कैसे पढ़ना है। अब आप समझिए, थोड़ा सा टेक्निक समझिए, जहां लड़के थोड़ा कंफ्यूज है, कहां कंफ्यूज है, अभी हमने, अगर आप इंटरनेशनल लॉ निकाल दीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो पेपर आप निकाल दीजिए तो बाकी सब हमने पढ़ा दिया है। सीपीसी सीआरपीसी मेरी चल रही है क्लास, मैं पढ़ा रहा हूं। इंटरनेशनल लॉ की बात करूं मैं तो इंटरनेशनल लॉ में क्या पढ़ना है, आपको कंफ्यूज है लोग। इंटरनेशनल लॉ दो चीजों पर डिपेंड है, एक चार्टर पर डिपेंड है और दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रकरण, इस पर डिपेंड है, ध्यान से समझिएगा। चार्टर जो है ये महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मतलब जो है उसके अंग, न्यायालय के जो चार्टर के अंतर्गत जो अंग हैं आपके, जो भी हैं उनके संबंध में आपको पढ़ना है, यही पढ़ना है।
महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है, इम्पोर्टेंट हैं ये सभी चीज़ें, अंतर्राष्ट्रीय परिषद क्या है, ये सब के संबंध, सॉरी न्यासता परिषद क्या है, इसके संबंध में आपको चार्टर में पढ़ना होगा। अब प्रॉब्लम आपको यहाँ ये आएगी, जो पढ़ चुके हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा यहाँ। तो भी अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ये भी दिक्कत मैं आपको नहीं होने दूंगा। कैसे? आप बस एक काम करिए, जो पूरी तरह से शून्य है अभी तक, मैं बता रहा हूं जो शून्य है, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है आगे क्या करना है, पीछे क्या करना है, कुछ नहीं पता चल रहा है लॉ में क्या पढ़ना है, वो चुपचाप क्या करें, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्हें बिल्कुल नहीं पता, इस समय अभी आए हैं, नए फील्ड में आए हैं, लॉ पास आउट हुए, उन्हें कुछ नहीं पता, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो क्या करें, वो सिर्फ प्रीलिम्स की जो आती है सॉल्ट पेपर प्रीलिम्स का, हर स्टेट का उसमें क्वेश्चंस दिया रहा है, पूरी तरीके से सिर्फ उसको पढ़ डाले और कुछ नहीं जाने, न इधर जाए न उधर जाए, सिर्फ उसको पढ़ डाले, वो जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं सिर्फ उनको पढ़े। आप चार्टर की बात है, देख लीजिए क्वेश्चन कहां कहां से आ रहे हैं, पूरा याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, जो करना है सो कर जाइए। ध्यान रहे कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, मैं जो प्रीलिम्स वाली गाइड है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, समझिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, नीचे एक बॉक्स बना रहेगा जो उस आंसर को एक्सप्लेन करेगा। आप क्या करेंगे वहां पर, इन चारों में से जो क्वेश्चन पूछा गया उसका तो आप आंसर देंगे ही, चार में से एक आंसर होगा ही होगा, बचेगा कितना, तीन आंसर। अब आपकी, आपको क्या करना है, ये जो तीन बचे हैं ये तीन कहां से पूछे गए, आप उनको देखेंगे, आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, पूछा गया एक क्वेश्चन, आप लेंगे वहां चार क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आप वहां से निकालेंगे, यदि आपको सिर्फ वही करना है तो यहां से चार क्वेश्चन आप निकालेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं बात मेरी। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, पूछा गया कि डाइन डिक्लेरेशन कहां बताया गया, एक एविडेंस की बात करता हूं, डाइन डिक्लेरेशन या चोरी की बात करता हूं, कि चोरी कहां परिभाषित की गई है, 378 379 380 381, एक आंसर तो सही है आपका 378। अब आप ये देखेंगे कि 380 में क्या कहा गया, 381 में क्या कहा गया, 382 में क्या कहा गया, यहां लिख लेंगे, वहीं वहीं प्रीलिम्स वाले में ही जो आपके पास होगी वहीं लिख लीजिए कि क्या कहा गया, और इसके साथ साथ आप जो बॉक्स वाला होगा उसको जरूर पढ़ेंगे कि क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कभी कभी ये बॉक्स में होती हैं, हाईलाइटर लेके बैठिएगा, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि क्या बात कही गई वहां पर, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, चार्टर के लिए बिल्कुल मत परेशान होइए, इंटरनेशनल लॉ की सबसे पहले मैं बात कर दे रहा हूं, इंटरनेशनल लॉ में आप क्या करेंगे, आप सिर्फ प्रीलिम्स का जो है जितने भी क्वेश्चन आंसर अभी तक आए हैं आप उनको सॉल्व कर लीजिए, जो पहले से पढ़े हैं जानते हैं पढ़ना चार्टर को, तो उनके लिए ये है कि वो देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासता परिषद, जो अंग है इसके वो पढ़ लेंगे, ठीक है, सभा जो है उसका गठन कब हुआ है, ठीक है, कब पास हो रहा है, ये सब चीजें वो पढ़ लेंगे इसके संबंध में, चार्टर के संबंध में। अब रही बात जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण है, दूसरा पोर्शन इसका, उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मत जाइए कहीं से, इसके लिए आप क्या करें, मार्केट में आप क्या करेंगे, एक तो करंट अफेयर आप पढ़ेंगे ही, तो करंट अफेयर से ही आपका यह भी काम हो जाएगा। जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो वहां दो चीजें होती हैं, एक होता है राष्ट्रीय प्रकरण, दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रकरण पढ़ते हैं हम, तो अंतरराष्ट्रीय जो प्रकरण है यही जो है इंटरनेशनल लॉ का सेकेंड वाला, जो अंतरराष्ट्रीय प्रकरण यही है, इस पे आप फोकस कीजिए, पैनी नजर रखिए कि क्या पूछा जा रहा है। जैसे G20 का सम्मेलन अभी हुआ, कहा हुआ है कौन अध्यक्ष बने, इससे पहले कहां हुआ था, कहां होने वाला है, ये सब क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रकरण रहेंगे आपके, ये सेकंड वाला पार्ट जो इंटरनेशनल लॉ का है ये पूछा जाएगा, यहां हाईलाइट रहिए,
ब्रिक्स का हुआ, सार्क का हुआ, कहाँ मुख्यालय है? मुख्यालय याद रहे आपको, किस सन में ये इनकी ये लोग आए हैं, सार्क की उत्पत्ति कब हुई है, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण से संबंधित है, जो करंट से मुद्दे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है, उन पर नज़र बनाए रखिए आप, इसी से आपका काम हो जाएगा। इसके लिए आप अलग से मत पढ़िए, मत मेहनत करिए, कोई फायदा नहीं है आपका, खाली टाइम जाया होगा, आपको नहीं पता कहां से क्वेश्चन आएंगे, तो जहां से पता है वहां मेहनत करिए आप, ठीक है। ये हुआ अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लॉ है उसके संबंध में, हमने नहीं पढ़ाया था इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। और रही बात सीपीसी की, सीपीसी की मैं बात करूं तो सीपीसी में देखिए, ध्यान दीजिएगा, सीपीसी हो गया, सीपीसी में हम क्या पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं सेक्शन और एक पढ़ते हैं ऑर्डर, ठीक है, सेक्शन ऑर्डर ये दो चीज पढ़ते हैं। आप पूरा का पूरा सेक्शन पढ़ जाइए, सेक्शन पूरा पढ़ जाइए, 158 पूरे सेक्शन दिए गए, सेक्शन पढ़ जाइए। सेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन के साथ साथ कुछ ऑर्डर भी रहते हैं, उनको पढ़ना होता है, जरूरी होता है। जैसे हम मैं बताऊं, कमीशन जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, कमीशन जब आप पढ़ेंगे तो उसके साथ ऑर्डर पढ़ना होता है। सरकार के विरुद्धवाद जब पढ़ेंगे तो उसके साथ ऑर्डर पढ़ना होता है। अंतराभिवाचीवाद जब पढ़ेंगे तो उसके साथ ऑर्डर पढ़ना होता है। अपील जब आप पढ़ेंगे तो उसके साथ ऑर्डर पढ़ना होता है। तो ये क्या है कि सेक्शन के साथ साथ आपका क्या तैयार हो रहा है, आपका ऑर्डर तैयार हो रहा है, उसी के साथ ऑर्डर तैयार हो रहा है, अलग से नहीं। और जिन्होंने मेरी क्लास ज्वाइन की है सीबीसी की, मैं उनके लिए अब बता दूं कि अभी तक जितना मैंने बताया है, सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है, सेक्शन के साथ जहां जहां मैंने ऑर्डर बताया है वो आप लिख लेंगे। जैसे मैंने बताया कि कमीशन है, ठीक है, कमीशन आप लिखिए, यहां लिखिए सेक्शन कहां से कहां तक, फिर प्लस इसके साथ कौन सा ऑर्डर पढ़ा गया था वो लिखिए, ठीक है। इसी तरह सरकार के विरुद्धवाद यहां से यहां तक, ऑर्डर कहां तक, कहां किस ऑर्डर के साथ पढ़ा गया था वो लिखिए। इससे क्या होगा कि एक जो टॉपिक है उसका सेक्शन भी आपको तैयार हो रहा है और दूसरा इसके साथ साथ आपका ऑर्डर भी तैयार हो रहा है, समझ गए बात। अब इसके बाद जो ऑर्डर बचता है, अब स्टार्टिंग वाले जो सेक्शन ऑर्डर एक से लेकर 10 तक ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये थोड़ा काजे से पढ़ने होते हैं। उसके बाद जो है ऑर्डर होते हैं, जो वो सिर्फ ऑर्डर के नाम याद रहे कि किस ऑर्डर में क्या कहा गया, वो भी सब नहीं, कुछ ही ऑर्डर होते हैं। तो जब मैं क्लास लूंगा तो उसमें मैं बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। और फिर भी टाइम रहेगा अगर मेरे पास तो मैं एक लाइन से एक से लेकर ऑर्डर बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, सिर्फ ऑर्डर के नाम आपको याद रहे, क्लियर। तो ये चीज आप सीपीसी में कर लीजिएगा, सीपीसी छोड़िएगा मत, सीपीसी को बहुत ज्यादा भार लेके मत पढ़िए। अच्छी है सीपीसी, बहुत टफ नहीं है, ठीक है, इजी वे में पढ़िए, हो जाएगा। सेक्शन पे जोर दीजिए आप, सेक्शन जहां है वहीं लिख लीजिए आप, या ना हो तो फिर से मैं कहता हूं जो इंडेक्स होती है सीपीसी की, बेयर एक्ट की, वहीं पे ऑर्डर लिखिए, ये सेक्शन इसके साथ मुझे ये ऑर्डर पढ़ना है, फला जैसे कमीशन सेक्शन यहां से लेके यहां तक है, ऑर्डर इसके साथ है, ये पढ़ लीजिए, ऐसे वहां पे इंडेक्स पे बना लीजिए अपना, ठीक है। तो ये हमने नौ की बात कर दी, इससे ज्यादा मैं नहीं अब बताऊंगा आपको, ठीक है, बहुत हो गया। अब इसकी आज मैं इसकी बात करता हूं, इसकी चर्चा ऑलरेडी मैंने कर रखी है। जीएस में देखिए क्या है कि एक होता है जीएस और दूसरा होता है माइनर एक्ट। माइनर एक्ट को अब जोड़ा गया है, तो माइनर एक्ट प्रे में भी जोड़ा गया, मेंस में भी जोड़ा गया, क्लियर। अब आप करेंगे क्या, क्या रणनीति होनी चाहिए, आप समझिए। जीएस में क्या है, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें बहुत कुछ मत करिए, बहुत दिमाग मत लगाइए आप, टाइम कम है, मैंने कहा ना मैं इसको ध्यान में रख के बता रहा हूं सभी चीजें जो भी है चीजें। जीएस में क्या करिए, एक करंट अफेयर लीजिए, ठीक है, करंट अफेयर लीजिए, ये फर्स्ट चीज। सेकंड आप क्या करेंगे, करंट अफेयर हो गया, मैगजीन लीजिए, कितने, वन ईयर की, वन ईयर में भी आप सिक्स मंथ तक, छह माह तक की मैगजीन पूरा दम बढ़िया से पढ़ डालेंगे, छह माह तक की मैगजीन अच्छे से पढ़ डालेंगे। इसमें भी
क्या काम करेंगे आप, समझिए इसमें क्या काम करेंगे। जैसे आप कर लीजिए पुरस्कार, हमने बताया ना A4 पेज लीजिए, लंबा है, आधे से फोल्ड करिए, वहां लिखिए पुरस्कार किस महीने का, जिस महीने का है, जैसे जनवरी का पुरस्कार या नवंबर दिसंबर, जहां का भी वहां पुरस्कार लिखिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको नोट कर लीजिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, व्यास सम्मान किसको मिला, सरस्वती सम्मान किसको मिला, किस क्षेत्र में मिला है, कोई पुस्तक के अंतर्गत मिला है तो वो पुस्तक का नाम वहां लिखिए। ये क्या करेंगे, उस पेज में इनका नाम लिखेंगे, वो पुरस्कार का एक पेज बनेगा, छोटा सा पन्ना रहेगा। जब भी आप चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, बैठे हैं, तो सिर्फ एक बार झलक देख लेंगे, आपका पुरस्कार ऐसे ही याद हो जाएगा। याद करने के लिए अलग से आपको टाइम नहीं देना होगा, नहीं रहेगा, जहां आपका रूम है, कमरा है, वहीं चिपका दीजिए, ऐसे चिपका दीजिए पुरस्कार, ये पूरा झड़ी आपकी तैयार रहेगी। जब जब आप आएंगे, खाली एक बार देखना, वो जितनी बार, अरे 15 बार 20 बार देखेंगे ना, तो कुछ नहीं करना है, वैसे ही याद हो जाएगा वो, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैं एग्जांपल दिया, मैंने पुरस्कार हो गया, विशेष व्यक्ति हो गया, विशेष चर्चित स्थान हो गया, ठीक है, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, या जो भी और भी चीज़ें जो है, जो इम्पोर्टेंट डेट है वो याद करिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो नहीं छूटना चाहिए आपसे, आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं छूटना चाहिए, इसके लिए अलग से आप एक पेज बना लीजिए, वहाँ पे लिख लीजिए। ये सब फ्री के नंबर मिलेंगे आपको, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि GS में अगर क्वेश्चन आते हैं तो करंट अफेयर्स से आते हैं ज़्यादा, तो ये बात हुई मैंने करंट अफेयर्स की बताई। 6 महीने वाले पे ज़्यादा मेहनत करिएगा, अब से लेकर 6 महीने तक का, जैसे आप समझ लीजिए अगर 12 फरवरी को एग्ज़ाम है आपका, तो आप कम से कम 15 जनवरी तक का पूरा तैयार करिए, 15 जनवरी 2023 तक का मैटर तैयार होना चाहिए आपका। 15 जनवरी से लेकर पीछे आप 6 महीने तक चले जाइए, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए आपको 6 महीने तक, और 6 महीने से पीछे आप थोड़े थोड़े करके आप देख सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लीजिए। तो कुल मिलाकर 1 साल का आप ले लेंगे, ठीक है, कोई भी मैगजीन आप, जो आपको समझ में आती है, कोई भी मैगजीन आप ले लीजिए। अब आइए, ये करंट अफेयर की बात हुई, दूसरी चीज आप क्या करेंगे, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये पहला करंट अफेयर, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए हो गया यहाँ पर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपका लॉ में भी आप पढ़ेंगे, और यही कॉन्स्टिट्यूशन आप GS पोर्शन में भी क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ध्यान रहे मैं GS की बात कर रहा हूँ, कहाँ से आप क्वेश्चन लेंगे, करंट अफेयर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यहाँ से आप क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद जो भी आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये वाला रहेगा पोर्शन, उसको अभी छोड़िए। अब फिर आप देखिए जनसंख्या देख लीजिएगा, पॉपुलेशन, ठीक है, जनसंख्या का पूरा पढ़ लीजिएगा, जनसंख्या ये पूछा जाता है आपसे, कौन ज़्यादा कम, कौन कम, जनसंख्या घनत्व किसकी, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में कौन ज़्यादा है, ठीक है, ये सब आप देख लेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे हिस्ट्री, अगर मैं कहूँ पढ़ने के लिए आपको हिस्ट्री मत ज़्यादा पढ़िएगा, हिस्ट्री सिर्फ आप कौन पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा, बहुत पढ़ना है तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, क्या पढ़ेंगे हिस्ट्री में, मॉडर्न, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे वहाँ पर। अब इसके बाद अगर पढ़ना होगा पढ़िएगा, नहीं पढ़ना होगा मत पढ़िएगा GS में, मैं बता रहा हूँ मत पढ़िएगा, क्योंकि नहीं पता आपको कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, नहीं पता आपको, अब आप कहाँ जोड़ देंगे, समझिए अब ध्यान से, जो मैंने इतना कहा इस पे तो आप जोड़ देंगे, इसके बाद अब जो नहीं पढ़ने के कर रहा हूँ उसकी भरपाई कैसे पूरी करेंगे, उसकी भरपाई आप इनसे पूरा करेंगे, किनसे, इनसे, ये इनसे पूरा करेंगे वो भरपाई जो आपने अभी तक यहाँ छोड़ रखा है, माइनर एक्ट से पूरा करिए अब आप, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ आपने इतना चीज़ें तैयार कर लिया, अब इसमें और आप क्या करेंगे, एक चीज़ और समझिए, जितने भी क्वेश्चन, इसी में मैं बात कर रहा हूँ, ये PCS
जे एंड ई पी यू, ठीक है। ये दो जगह अभी तक जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं जीएस में पूछे गए, उन सब को आप पढ़ ले जाइए, उन सब क्वेश्चन को पढ़ ले जाइए आप, ठीक है, पूरा पढ़ ले जाइएगा। अब इसमें एक चीज और मैं बताऊं, इसमें जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि बताइए पानीपत का युद्ध कब हुआ था, पूछा गया मान लीजिए, तो आपका काम क्या रहेगा, आप सर्च करिए पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध कब हुआ, कहां हुआ, किसके मध्य हुआ, कौन जीता, इतनी चीजें आप एक जगह नोट कर लेंगे। क्योंकि हो सकता है कि यदि आयोग के द्वारा पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा गया है तो पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत का तृतीय युद्ध भी पूछा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि यदि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ है तो पानीपत के जितने युद्ध हुए हैं उतने युद्ध आप एक जगह नोट कर लीजिए। कहानी मत लिखिए, सिर्फ फैक्चुअल लिखिए, फैक्ट लिखिए, कब हुआ, किसके मध्य हुआ, क्या रिजल्ट आया, बस इतना, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आपको लिखना। आप बना लीजिए पेपर एक A4 वाला, वहीं लिख लीजिए आप ये सब। यही चीज आप साइंस में कर सकते हैं, यही चीज आप ज्योग्राफी में कर सकते हैं, यही चीज यहाँ हिस्ट्री में करेंगे। समझ में आई बात, यही काम आप करेंगे यहाँ पर, इतना काम कर लीजिए हो जाएगा काम आपका। ये चीजें हो गई, अब आप आइए माइनर एक्ट की बात करूं मैं। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, नहीं तो भूल जाऊंगा, मैं याद रहेगा, लॉ वाले में क्या है, लड़के परेशान हैं यहाँ पे स्टूडेंट कि इतनी मोटी अगर खरीद के मैं लाया हूँ पढ़ूँ कैसे, पूरा महीना तो मुझे पढ़ने में ही निकल जाएगा वो प्रीलिम्स का सॉल्व करने में। आप क्या करिए, देखिए उसका भी उपाय है, हर जोड़ का तोड़ है। देखिए लॉ में क्या करिए, लॉ में दो चीज़ें, आप जो प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, जो सॉल्व क्वेश्चन आती है हर स्टेट का, जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें, जो MCQ रहते हैं, क्वेश्चन को ही MCQ कह रहे हैं, वो जो है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें आपका करके पहली बात जो राजस्थान एंड ये कहा है MP, ये राजस्थान और MP दो जगह के क्वेश्चन जो है वो अवॉइड करिए, निकाल दीजिए, मत पढ़िए। मतलब कि प्रीलिम्स के अगर क्वेश्चन पूछ ही आ रहे हैं, जैसे नंबर वन क्वेश्चन ये कहाँ से पूछा गया, राजस्थान, इसको कट करिए, पेंसिल से कट कर दीजिए, नहीं पढ़ना हमें, क्यों नहीं पढ़ना, मैं क्यों मना कर रहा हूं, मैं इसलिए मना कर रहा हूं, डेट आपकी 12 फरवरी है, टाइम कम है आपके पास, इस वजह से राजस्थान और MP के क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली पूछे जाते हैं, थोड़ा टफ होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन हमारे UP में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहां मना कर रहा हूं, आगाह कर रहा हूं कि आप उनको मत पढ़िए, टाइम बचेगा वहां पे, फालतू में आप टाइम वेस्ट करेंगे अपना, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर निकालेंगे, माथा पच्ची करेंगे, अरे ये तो तैयारी नहीं था क्वेश्चन हमारा, मत वहां पढ़िएगा। बस दो स्टेट आप छोड़ दीजिएगा, राजस्थान और MP, ये मत पढ़िएगा, इसके अलावा और जितने भी स्टेट के क्वेश्चन दिए रहेंगे वो आप सॉल्व करिए अच्छे से, ये आंख बंद करके आप क्रॉस मार दीजिएगा वहां पर MP और राजस्थान में, आता है आने दीजिएगा क्वेश्चन, यहां आप मत पढ़िएगा, क्रॉस करते हुए चले जाइए। ये दो चीजें हो गई। अब कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो वैसे ही आपके छट गए जो आप लेके आए होंगे प्रीलिम्स के, अब और मैं छांटता हूं उसमें क्वेश्चन। जब सॉल्व करने बैठेंगे आप तो क्वेश्चन एक पूछा गया, वही क्वेश्चन फिर दोबारा दूसरे, जैसे नंबर वन पे ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम यही क्वेश्चन दूसरे नंबर में भी पूछ दिया गया, तो अब आप क्या करेंगे, पहला वाला तो ठीक है पढ़िए वहां कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले पे क्रॉस कर दीजिए पेंसिल से। क्यों क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन वही पूछा गया, सेम क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है, तो जैसे 2, 3, 4, 5 में पूछ दिया सेम क्वेश्चन, तो उन सबको आप क्रॉस करते हुए आगे चलिए, फिर दोबारा जब आप आएंगे पढ़ने तो आपको समय कम लगेगा। क्यों कम लगेगा, इसलिए कम लगेगा क्योंकि आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ना होगा, ये नहीं पढ़ना होगा, ये आप क्रॉस कर जाएंगे, आप अपने आप को क्रॉस कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये नहीं पढ़ना है, ये दोबारा रिपीट कर रहा है, तो इतना हम टाइम इस पे क्यों दें, ठीक है, इसलिए आप यहां पे क्रॉस कर जाइए, इस चीज को मत पढ़िएगा। तो इस तरह आप देखेंगे जो प्रीलिम्स वाली इतनी मोटी थी वो इतनी मोटी हो जाएगी, इतनी बराबर रह जाएगी, आधे आपकी प्रीलिम्स के क्वेश्चन वैसे ही बढ़ जाएंगे, नहीं पढ़ना, सिर्फ लगता है मोटी पढ़नी, ठीक है।
तो ये चीज हुआ। अच्छा, ये हुआ हमारी बात कि हाँ हमने कैसे पढ़ना है। अब आते हैं मेन मुद्दा, माइनर एक्ट। माइनर एक्ट में क्या करना है आपको, समझिए, ध्यान से समझिए। आपको माइनर एक्ट में क्या करना है, ए फोर पेज उठाइए, ठीक है, ए फोर पेज। फिर मैं ए फोर पेज की बात कर रहा हूँ, ए फोर पेज को अब की बार लंबा नहीं, ऐसे करिएगा, ठीक है, ऐसे नहीं लंबे वो नहीं, ऐसे जैसे मोबाइल, जैसे वो करते हैं मोबाइल में वीडियो देखते हैं, मूवी देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, तो वैसे करिएगा पेज, ठीक है। ये पेज होता है, ये ऐसे, तो ऐसे नहीं करना है इस पेज को, ये यूं करना है, ऐसे, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, लाइन बना लीजिए, ये इसमें फिर क्या करेंगे, नौ माइनर एक्ट का नाम लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब क्या करेंगे, कैसे याद करना, मैं वो टेक्निक बता रहा हूं आपको, आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ही, मैं वैसे ही बता दे रहा हूं आपको। एक पेज पे ये रहेगा, फिर क्या होगा, फिर इसके बाद आप इसमें लिखेंगे सभी एक्ट का एक एक कॉलम में क्या करना है, ध्यान से समझिए, ये बेसिक चीज है, ये जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन यहां से पक्का आएंगे, पक्का आएंगे, पक्का मैं बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और यहीं से आप गलत भी करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज ना हो पाए इसीलिए मैं आपको यहां बचा रहा हूं। क्या करना है सुनिए, यहां पे आप क्या करेंगे, एक तो यहां पे एक्ट का नाम लिखिए आप, शॉर्टकट मत मारिएगा, पूरा कोशिश करिएगा लिखने का, ठीक है, पूरा कोशिश करिए लिखने का। फिर उसके बाद यहां क्या करिए, सीरियल वाइज लिखिए, क्रम संख्या, क्रम संख्या मान लीजिए 50, ये हो गया 60, ये हो गया 30, ये हो गया 40, तो क्रम संख्या सबकी लिखिए एक लाइन से। एक लाइन लिखने से ये पता चलेगा, एक बार आप देख लीजिएगा क्रम संख्या कैसे दिया गया है, तो अगर सीरियल वाइज दिया गया है तो जो सीरियल वाइज है उसको सीरियल वाइज में ही रख के आप क्रम संख्या लिखिएगा, ठीक है। जैसे एक एक्ट है ये डॉरी, मान लीजिए 40 दिया, मान लीजिए, हाँ, फिर दूसरा एक्ट है ये दिया कितना है, ये 60 है, फिर तीसरा एक्ट क्या दिया है, ये मान लीजिए 50 है, तो ये 40 था तो 50 वाला इसके बगल में लिखिए, तो ऐसे पता चलेगा ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ऐसे करके ये आपको पता चलेगा कि सीरियल वाइज हमने ऐसे ऐसे पढ़ा था। तो एक चीज हुई सीरियल वाइज नंबर, दूसरा ही, दूसरी चीज कब लागू हुई है, ठीक है, छोड़िए कब लागू नहीं, पहले ये देखिए, फिर एक सीरियल वाइज नंबर क्रम संख्या आप लिखेंगे, मैं बता दूंगा आपको, जैसे आप क्या करेंगे, क्रम संख्या फर्स्ट नंबर ये लिखा आपने, सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे आप, सेक्शन, ठीक है, धाराएं, धाराएं लिखिए, टोटल कितने, इसमें कितने सेक्शन, इतनी कितने सेक्शन, कितना सेक्शन, कितना कितना कितना, ठीक है। फिर लागू, कब लागू हुआ, सब में लिखिए, फला जनवरी, फला फरवरी, फला सन, ये लागू लिखिए सब में। फिर अधिनियमित, कब अधिनियमित किया गया या कब राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई उस एक्ट पे, ये लिखेंगे पूरा सब में, एक लाइन से लिखिए, क्लियर। फिर आप आइए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, इतनी चीजें हो गई, अब आइए फिर क्या हो जाएगा, फिर आप लिखेंगे परिभाषा खंड, किसमें क्या क्या है, परिभाषा खंड मान लीजिए सेक्शन 2 है, तो अगर याद है आपको कि सेक्शन 2 में सभी की परिभाषा दी गई है तो मत लिखिएगा, ये याद रखिएगा आपकी सेक्शन 2 में परिभाषा खंड है, ठीक है। तो ये हो गया, अब आप देखिएगा, अब आप बेयर एक्ट उठाएंगे तो एक चीज आपको मिलेगा, देखिए सेक्शन 1 में क्या होता है, जितने भी 9 एक्ट आप देखेंगे सेक्शन 8 में, 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, यही मिलेगा आपको। जैसे मैं 8 जो 8 सेक्शन है जिस एक्ट में उसकी बात करूं, जो आप बहुआ बना के चल रहे हैं आप लोग कि 9 एक्ट है, 9 एक्ट है, कैसे पढ़ूं, उसके विषय में बात करता हूं। सेक्शन 1 एक्ट आप उठा लीजिए, असिस्ट वाला मान लीजिए, या कोई भी उठा लीजिए आप, तो सेक्शन 1 आप ले लीजिए, उसमें क्या रहता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, कुछ और याद करना है क्या, नहीं याद करना है, ये हो गया। फिर आप सेक्शन 2 उठा लीजिए, परिभाषा खंड ही मिलेगा लगभग सभी में, परिभाषा खंड, तो 2 आपको पता है कि परिभाषा खंड ही है सब में है, तो ये हो गया 2। बचे कितने, 8 सेक्शन है अगर उस एक्ट में, बचे कितने,
छह बजे, क्योंकि एक और दो, एक संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ, दो में परिभाषा, बचे कितनी, छह। छह में लास्ट अब जाएंगे तो वहां क्या होता है, नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई, तो या केंद्र सरकार को दी जाती है या राज्य सरकार को दी जाती है, नियम बनाने की शक्ति, ठीक है, ये सब में है। बस इतना याद रखना है आपको कि नियम कौन बनाएगा, ये लगभग हर एक्ट में है, नौ एक्ट में दिया होगा कि नियम कौन, केंद्र सरकार बना सकते हैं, कहीं कहीं राज्य सरकार होंगे, ऐसे करके दिया होगा, ठीक है। एक सेक्शन ये कम कर लीजिए, बचा कितना, पांच सेक्शन। पांच सेक्शन आपको हुआ लगता है, पांच सेक्शन में भी आपका क्या होगा, कहीं अपराध होगा, संज्ञेय है, जमानती है, इतना याद करना है, दंड होगा कहीं तो दंड का प्रावधान। बचा कितना, मुश्किल से, मैं बताऊं आपको, मुश्किल से दो से तीन सेक्शन ऐसे होंगे जो कि आपको कायदे से पढ़ने होंगे उस एक्ट में, किसी भी एक्ट का दो से तीन सेक्शन ऐसे होंगे जो आपको कायदे से पढ़ने होंगे, पूरी मेहनत आपको लगानी, पूरी जान लगा देनी है उस एक्ट में, वही दो तीन सेक्शन के लिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन वहीं से आएंगे आपके, ठीक है। तो इतना पढ़ना है आपको। अब आप समझिए यहां क्या करना है, यहां आप इतना लिखिएगा, यहां क्या बताया था हमने, यहां सेक्शन का कुछ बताया था हमने, यहां आप समझिए यहां क्या लिखेंगे, नियम बनाने की शक्ति, मान लीजिए नियम कौन बनाएगा, किस सेक्शन में है, यहां सब में लिख दीजिए, फला सेक्शन में नियम बनाने की शक्ति, नीचे लिखिए केंद्र या राज्य सरकार कौन है, जो भी लिखा होगा डैश मार के यही लिख लीजिए, फिर दूसरे एक्ट में नियम बनाने की शक्ति, सेक्शन सेक्शन लिखिएगा यहाँ पे, सेक्शन किस सेक्शन में कौन बनाएगा, फिर यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, सब एक्ट का जहाँ जहाँ नियम बनाने की पावर दी गई है सभी का एक एक सेक्शन यहाँ लिखेंगे आप। दूसरी चीज क्या बताना चाहो, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, फिर उसके बाद अपराध बताया गया होगा कि अपराध कहाँ है, क्या अपराध होगा, जैसे संज्ञेय होगा, ठीक है, और क्या होगा, जमानती होगा, ये कहां बताया गया है, सेक्शन में लिख दीजिएगा कि अपराध यहां बताया गया है संज्ञेय जमानती, अगर इसमें है तो इसमें लिखिए, किस सेक्शन में है लिख दीजिए, जिस जिस अधिनियम में बताया गया है उस सेक्शन का करके आप लिखेंगे, यहां संज्ञेय है जमानती है, संज्ञेय है जमानती है, यहां संज्ञेय है यहां अजमानती हो सकता है, तो ऐसे करके आप वहां लिख देंगे, ऐसे पता चलेगा कि इस अधिनियम में है ये, इस अधिनियम में नहीं है ये, पढ़ना में। फिर यहां क्या है, फिर आप देखेंगे दंड का प्रावधान, दंड लिखिएगा किस सेक्शन में कहां कहां दंड का प्रावधान है, हो सकता है ऐसा, किस लिए कर रहा हूं मैं, किस लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यदि नियम बनाने की शक्ति, मान लीजिए ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, हो सकता है तीन चार एक्ट ऐसे हो जो सेम सेक्शन में दिए गए हों, तो आपका काम हो जाएगा, या कुछ ऐसे भी एक्ट हो सकते हैं जो कि अपराध जो है संज्ञेय है या जमानती, वो एक ही मतलब एक ही तरह का दिया गया हो सकता है कि हर एक्ट में संज्ञेय और जमानती दिया गया हो, एक काम हो जाएगा आपका, किस सेक्शन में है, अगर बराबर मिल गए आपको, जैसे सेक्शन 8 में ये है, मान लीजिए ये वाला अधिनियम ये भी 8 में है, सेक्शन 8 में बताया गया, ये काम हो जाएगा, आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, इजी वे में आप याद कर लेंगे। अपराध बताया जाएगा कि फला अपराध इतना दंड दिया जाएगा, दंड बताया जाएगा, तो दंड के लिए आप सेक्शन लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, कितना दंड दिया जाएगा ये भी लिखेंगे आप, सेक्शन लिखेंगे, दंड लिखेंगे, कितना दंड दिया जाएगा ये लिखेंगे, समझ में आई बात। इतनी चीजें आप A4 पेज पे, इतना चीजें आप लगा के चस्पा कर दीजिए अपने टेबल पर, अपने दीवार पर, जहां आप पढ़ते हैं। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम यहां माइनर एक्ट आप सॉल्व कर ले जाएंगे, यकीन मानिए, ठीक है, इतना अगर आपने काम कर दिया। तो ये चीजें हमें आपको बतानी थी आज की डेट में, हो सकता है कि आपको समझ में आया होगा मेरी बातें कि मैं क्या बताना चाहता था, ठीक है, तो हिम्मत मत हारिए, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है अभी। अच्छा, रही बात माइनर एक्ट की, तो माइनर एक्ट के लिए मैं एक चीज बता दूं कि ये जो माइनर एक्ट है, ये माइनर एक्ट की मैं जो बात कर रहा हूं, ये माइनर एक्ट की क्लास मेरी फर्स्ट जनवरी, फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट होगी, ठीक है, फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट होगी मेरी क्लास। और अभी तक जिन्होंने भी माइनर एक्ट की क्लास नहीं ज्वाइन की है, एडमिशन नहीं लिया है, तो प्लीज अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए, 1 तारीख से मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लास को,
ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।